फरिसियन में से निकुदेमुस नाम के एगो आदमी रहलन जवन यहूदियन के सरदार रहलन। उ रात में यीशु के लगे आके उनकरा से कहलस, हे गुरु, हम जानत आनी कि रउआ परमेश्वर के ओरी से गुरु होके आइल बानी, काहे कि केहू एह अचरज के काम के जवन रउआ दिखावत आनी, यदि परमेश्वर ओकरा साथे ना होके त ना दिखा सकेलन। हम तोहरा से साच साच कहत आनी कि यदि केहू नया रूप से ना पैदा होखी त परमेश्वर के राज देख ना सकेला। आदमी जब बूढ़ हो गई तक कैसे पैदा हो सकेला? काउ अपना महतारी के गर्भ में फिर दुबारा बार जाके पैदा हो सकेला? यीशु उनकरा के जवाब देलन, हम तोहरा से साच साच कहतानी कि जब ले केहू पानी और आत्मा से ना पैदा होई तब परमेश्वर के राज में ना जा सकेला। काहे कि जे देह से पैदा भइल बाटे उ देह हो, और जे आत्मा से पैदा भइल बाटे उ आत्मा हो। अचंभा मत कर कि हम तोहरा से कहनी है कि तोहके नया रूप से पैदा होखल जरूरी बा। हवा जेने चाहेला ओने बहेला और तू उनकर आवाज सुनेला, पर ना जानेला कि उ कहवा से आवेला और केने जाला। जे केहू आत्मा से पैदा भइल बा उ ऐसे ही बा। ये बात कैसे हो सकेला? तू इसराइलियन के गुरु होके भी का ए बात के नहीं समझत? हम तोहरा से साच साच कहतानी कि हम जवन जानतानी उ कहतानी, और जवन हम देखले बानी उनकर गवाही देतानी, और तू हमरा के ग्रहण नहीं करत। जब हम तोहरा से धरती के बात कहनी है तब ता तू विश्वास नहीं करत। तो यदि हम तोहरा से सड़क के बात कह तो फिर कैसे विश्वास करब? और केहू सड़क पर ना चढ़ल, खाली ऊ है जे सड़क से उतरल, जेकर माने आदमी के लैका जवन सरग में बानी। और जैसे मूसा जंगल में पीतल के सांप के ऊंचा पर चढ़वलन, वैसे ही जरूरी बा कि आदमी के पुत्र भी ऊंचा पर चढ़ावल जई हैं, ताकि जे केहू हमरा पर विश्वास करी है ऊ लोग हमेशा के जिंदगी पई हैं। काहे कि परमेश्वर दुनिया से इतना प्यार कैलन कि वो अपन एक लौता बेटा के दे देलन, ताकि जे केहू उनकरा पर विश्वास करे ऊ नाश ना होखे पर हमेशा के जिंदगी पई है। परमेश्वर अपना लड़का के दुनिया में एक खातिर ना भेजलन कि दुनिया पर सजाए के हुकुम देस, पर एक खातिर कि दुनिया उनकरा द्वारा मुक्ति पावे। जे केहू उनकरा पर विश्वास करेलन उनकरा पर सजाए के हुकुम ना होला, पर जे केहू उनकरा पर विश्वास ना करेला ऊ लोग दोषी ठहर चुकल, ऐसे कि ऊ परमेश्वर के एक लौता लड़का के नाम पर विश्वास ना कैले। और सजाए के हुकुम के कारण ई हो कि अंजोर दुनिया में आइल बा, और आदमी लोग अनहार के अंजोर से ज्यादा प्यार कैलन, काहे कि ऊ लोग के काम बुरा रहल। काहे कि जे केहू बुराई करेला ऊ अंजोर से दुश्मनी रखेला और अंजोर के नजदीक ना आवेला। ऐसा ना होखे कि उनकरा काम पर दोष लगावल जाए, बाकी जे केहू सच्चाई पर चलेला ऊ अंजोर के नजदीक आवेलन, ताकि उनकर काम प्रगट होखे कि ऊ परमेश्वर की ओरी से कैल गइल बाटे। एकरा बाद यीशु और उनकर चेला लोग यहूदिया राज में गइले, और ऊ लोग के साथे रह के बपतिस्मा देवे लगलन, और यूहन्ना भी शालोम के नजदीक एनोन में बपतिस्मा देत रहलन, काहे कि वहां बहुत पानी रहल और लोग आके बपतिस्मा लेत रहलन, काहे कि यूहन्ना ओह समय तक कैदखाना में ना डालल गइल रहलन। जहां यूहन्ना के चेलन के कौनो यहूदी के साथे शुद्धि के बारे में वाद विवाद भइल, ऊ लोग यूहन्ना के लगे आके उनकरा से कहले, हे गुरु, जवन आदमी यर्दन के ओपार रउआ साथे रहलन और जवना के रउआ गवाही देले बानी देखी, ऊ बपतिस्मा देत बाड़न और सबके वो उनकरा लगे आवतन। यूहन्ना जवाब देहलन, जब तक ले आदमी के सरक से न देहल जाए तो ऊ कुछो न पा सकेला। तोहन लोग तो अपने हमार गवाह बाड़ा की हम कहनी की मसीह ना है, पर उनकरा आगे भेजल गइल बानी जेकर दुल्हन हवे वह दुल्हा हवन, पर दुल्हा के दोस्त जवन खड़ा उनकर सुनत आड़न दुल्हा के आवाज से ढेर खुश होलन। अब हमार ई खुशी पूरा भइल बा, जरूरी बा कि ऊ बढ़िए और हम घटी। जवन ऊपर से आवलन ऊ सबसे निमन हवन, जवन धरती से आवलन ऊ धरती के ही बात कहेलन, जवन सड़क से आवलन ऊ सबके ऊपर रहलन, जवन कुछ देखलन और सुनले बाड़न उनकर ऊ गवाही देताड़न, तबो केहू उनकर गवाही ग्रहण ना कैले। जे उनकर गवाही ग्रहण कर लेला ऊ यह बात पर छाप दे देला कि परमेश्वर सच्चा बाड़न, काहे कि जिनकरा के परमेश्वर भेजले बाड़न ऊ परमेश्वर के बात कहेलन, काहे कि
उ आत्मा के नाप नाप के ना देलन, बाप लैका से प्यार रखलन और उ सब चीज उनकरा हाथे में दे देले बाड़न जे लैका पर विश्वास करेलन हमेशा के जिंदगी उनकर बाटे, पर जे लैका के ना मानलन उ जिंदगी के ना देखी, पर परमेश्वर के क्रोध उ लोक पर रहेला।